पड़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, इसी उद्देश्य के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस रीरन क्लासेस के चैनल पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के 5 क्वेश्चन के साथ, जो कि एमपीपीएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज का टॉपिक है स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, पंचायती राज, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में राज्य व्यवस्था, पंचायती राज, स्थानीय प्रशासन। स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस करेगा, जिससे आपको हमारी वीडियोस का टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। ग्राम पंचायतों में सरपंच का चुनाव कैसे होता है? ए प्रत्यक्ष रूप से, बी अप्रत्यक्ष रूप से, सी मनोनीत से, डी स्वेच्छा से। इसका उत्तर है ए प्रत्यक्ष रूप से। मध्य प्रदेश पंचायती राज के प्रावधानों के अनुसार सरपंच का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाएगा। उप सरपंच का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है, जबकि पंचों का चुनाव भी प्रत्यक्ष रूप से होता है। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डू द इलेक्शन ऑफ सरपंच इन विलेज पंचायत्स हैपन? ए डायरेक्टली, बी इनडायरेक्टली, सी नॉमिनेटेड, डी वॉलेंट्री। एंड द आंसर इज ए डायरेक्टली। अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ मध्य प्रदेश पंचायती स्टेट्स, the election of sarpanch will be elected directly by the public. The choice of the sub-district is made indirectly, while the selection of the panch is also directly. प्रश्न 2, जनपद पंचायत का क्षेत्र कितना है? ए पांच गांव, बी विकास खंड, सी जिला, डी गांव। और दोस्तों इसका उत्तर है बी विकास खंड। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली लागू है, जहां ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, विकास खंड स्तर पर जनपद पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत कार्यरत है। अतः जनपद पंचायत का क्षेत्र विकास खंड है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द एरिया ऑफ द जनपद पंचायत? ऑप्शंस आर ए 5 विलेजेस, बी डेवलपमेंट ब्लॉक, सी डिस्ट्रिक्ट, डी द विलेजेस। एंड द आंसर इज बी डेवलपमेंट ब्लॉक। थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम इज इम्प्लीमेंटेड इन मध्य प्रदेश, वेयर एट विलेज लेवल विलेज पंचायत इज इम्प्लीमेंटेड, जनपद पंचायत एट डेवलपमेंट ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल इज एम्प्लॉयड। हेंस द एरिया ऑफ जनपद पंचायत इज डेवलपमेंट ब्लॉक। प्रश्न 3, मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग कब बना? ऑप्शंस हैं ए 1993, बी 1994, सी 1995, डी 1996। इसका उत्तर है बी 1994। मध्य प्रदेश पंचायती राज के प्रावधान लागू करने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया, जो 19 जनवरी 1994 में गठित हुआ। इस आयोग ने 15 अप्रैल 1994 को पंचायतों के चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी कर दी। क्वेश्चन नंबर 3, व्हेन डिड द इलेक्शन कमीशन मेड इन मध्य प्रदेश? ऑप्शंस आर ए 1993, बी 1994, सी 1995, डी 1996। एंड द आंसर इज बी 1994। To implement the provision of Madhya Pradesh Panchayati Raj, the State Election Commission was constituted on January 1994. This commission issued notification regarding election of Panchayat on April 15, 1994. Question number 4. Madhya Pradesh mein Nagar Nigam ki sthapna ke liye satyakadnon ko chuniye. A. Jansankhya 1 lakh se adhik hona chahiye. बी आय 30 लाख से अधिक हो, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर है दोस्तों सी ए और बी दोनों। नगर निगम की स्थापना 1 लाख से अधिक जनसंख्या तथा 30 लाख से अधिक आय वाले नगर में स्थापित की जाती है। मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिलेक्ट ट्रू स्टेटमेंट फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन मध्य प्रदेश।
ऑप्शंस आर ए पॉपुलेशन शुड बी मोर देन 1 लाख, बी इनकम शुड बी मोर देन 30 लाख, सी ए एंड बी बोथ ऑप्शंस, डी नन ऑफ दीज, एंड द आंसर इज सी दैट इज ए एंड बी बोथ द ऑप्शंस. The establishment of a municipal corporation is established in more than 1 lakh population and more than 30 lakh people earning income. Madhya Pradesh has 16 municipal corporations. Prashn 5. Madhya Pradesh mein nagar palika ke sambandh mein asatya katna bataiye. Options hain A. Iski sthapna 20,000 se adhik v 1 lakh se kam jansankhya par ki jati hai. बी इसकी सदस्य संख्या 40 से 70 तक होती है. सी मध्य प्रदेश में 98 नगर पालिकाएँ हैं. डी इसकी प्रमुख समिति प्रेसिडेंट इन काउंसिल है. उत्तर है इसका बी इसकी सदस्य संख्या 40 से 70 तक होती है. नगर पालिका की स्थापना 20,000 से अधिक 1 लाख से कम जनसंख्या पर की जाती है. इसके सदस्यों की संख्या 15 से 40 है. मध्य प्रदेश में 98 नगरपालिका है तथा इसके मुख्य समिति प्रेसिडेंट इन काउंसिल होती है. क्वेश्चन नंबर 5. टेल द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट द म्युनिसिपैलिटी इन मध्य प्रदेश. ऑप्शंस आर ए इट इज सेट अप ओवर 20,000 एंड लेस देन 1 lakh population. B. The member number is from 40 to 70. C. There are 98 municipalities in Madhya Pradesh. D. Its main committee is the presidency in council. And the answer is B. This number is from 40 to 70. The municipality is set up on more than 20,000 population and less than 1 lakh. The number of its members is 15 to 40. There are 98 municipalities in Madhya Pradesh and their main committee is the presidency in council. तो दोस्तों इसी के साथ हम आज के 5 क्वेश्चन आप सबके साथ डिस्कस कर चुके हैं. मैं आशा करता हूं कि आपको हमारी वीडियोस बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगी. अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा. इससे होगा क्या, जिससे आपको टाइम टू टाइम हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और आप अपने दोस्तों के साथ जो स्पेशली MPPSC का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा. और आप हमसे कभी भी बात कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में. दोस्तों स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए. थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय.